बिहार सरकार के लिए अब खरीफ फसल की सिंचाई के लिए अनुदान के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि रबी मौसम में भी किसानों को सिंचाई के लिए आर्थिक मदद दी जाए। रबी मौसम में मुख्य रूप से गेहूं तथा मक्का आता है, इसके अलावा सब्जी को सिंचाई की जरूरत होती है। इस योजना को लाने का मुख्य कारण यह भी है कि इस वर्ष प्रदेश में बारिश कम हुई है, जिससे प्राकृतिक सिंचाई से किसान वंचित रह गए। रबी मौसम में गेहूं, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु एक एकड़ क्षेत्र में इस एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत अनुमानीय के आलोक में प्रति लीटर 1 लीटर डीजल के क्रय करने पर ₹50 का अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों को डीजल पंप से 1 एकड़ सिंचाई करने पर ₹500 का डीजल अनुदान में दिया जाएगा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार ने खरीफ की तरह रबी के लिए भी डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दे दी है। गेहूं की सिंचाई के लिए अनुदान मिलेगा और रबी फसलों में सिंचाई और दलहन तिलहन की सिंचाई के लिए अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देना होगा। मंत्री ने बताया कि अब तक राज्य के 73,147 किसानों ने रबी मौसम में डीजल अनुदान के लिए आवेदन दिया है। यह अनुदान उन किसानों को मिलेगा जो वेबसाइट पर ऑनलाइन निबंधित खरीदों का आवेदन पत्र में किसान खेती की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का दावा करेंगे। यह योजना बिहार के सभी 38 जिलों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के किसान आते हैं। भूमि, जिला और जातीय वर्ग पर किसी भी तरह का अंतर नहीं रखा गया है। यह योजना का लाभ गरीबों किसानों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के किसानों को भी दिया जाएगा। इस योजना को प्राप्त करने के लिए किसान को सबसे पहले DBT में पंजीकरण कराना होगा। DBT में पंजीकरण कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है तथा आधार कार्ड मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद जाकर नीचे दिए गए लिंक पर पंजीकरण करें। DBT में यह पंजीकरण नंबर के आधार पर डीजल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास डीजल का बिल होना जरूरी है, साथ ही बिल पर अलग अलग तारीख होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।